प्यारे प्यारे बच्चों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप कहेंगे कि धन्यवाद किस बात का? धन्यवाद इसलिए कि आपने कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के रहते हुए भी शिक्षकों, प्राचार्यों एवं माता पिता के सहयोग से पढ़ाई की निरंतरता को जारी रखा एवं पठन पाठन में सहयोग दिया। आज भी हम इन कठिन परिस्थितियों में परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आपको अंग्रेजी विषय की तैयारी किस प्रकार करना है, आपके पाठ्यक्रम में अंकों का विभाजन कैसे किया गया है और किस तरीके से उत्तर लिखकर आप ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो देखेंगे हम कि आपकी परीक्षा की तारीख आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली क्लास 10 की 11 मई 2021 निर्धारित है। अब आपके लिए महत्वपूर्ण टिप कि आपको प्रश्न पत्र में दिए गए सभी प्रश्नों को अनिवार्यता हल करना है। कोई भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि प्रश्न पत्र देखते हुए आप शायद थोड़ा नर्वस भी होंगे कि हम ये प्रश्न हल कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन गहरी सांस लें और सभी प्रश्नों को पुनः 2 से 3 बार पढ़ें और उसके बाद प्रश्नों को अच्छे से समझते हुए उनके उत्तर लिखना आरंभ करें। अब हम आपके साथ एक ब्लूप्रिंट शेयर कर रहे हैं जो आपका एक मार्गदर्शक होगा कि आपके विषय वस्तु में से कितने अंक किस टॉपिक के लिए निर्धारित हैं और किन जो है प्रश्नों को हल करके आप ज्यादा से ज्यादा नंबर कर सकते हैं। तो हमारा इंग्लिश का ब्लूप्रिंट 4 खंडों में विभाजित है, जिसमें सेक्शन ए रीडिंग का है, सेक्शन बी इज ऑन राइटिंग स्किल्स, सेक्शन सी क्वेश्चंस ग्रामर और ट्रांसलेशन पे पूछे जाएंगे और सेक्शन डी आपके टेक्स्ट बुक वर्कबुक पर आधारित है। किन माइलस्टोन्स को अचीव करना है, यानी कौन से वो मील के पत्थर हैं जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेंगे। तो हम आपके साथ ऐसे क्वेश्चंस को शेयर कर रहे हैं जिनको जो है जो आपके ब्लूप्रिंट में दिए गए हैं और इसी क्रम से जो है यदि हम प्रश्न हल करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बरकरार रहेगा। तो इस चार्ट में हमने ये शेयर किया है कि अनसीन पैसेज 15 मार्क्स का है, 3 अनसीन पैसेज आपके आएंगे, उसके बाद नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग 7 नंबर का है, इसके बाद यदि आप ये प्रश्न हल करेंगे तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा। देन कम्स द एसे राइटिंग, ये अगेन 7 नंबर का है, लेटर राइटिंग 6 नंबर का, ड्रामा सेक्शन कैरीज 4 मार्क्स, ग्रामर में ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, इसमें भी आंतरिक विकल्प है जो कि 10 अंकों के होते हैं, ट्रांसलेशन 5 अंकों का, पोइट्री सेक्शन में से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, वर्कबुक 15 अंकों के प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं, प्रोज यानी जो टेक्स्ट बुक है लेसन्स उसमें 16 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं और लास्ट में है डू एज डायरेक्टेड जो 5 अंकों का है। इसको हमने कठिनाई के बढ़ते क्रम में रखा है, यानी कि सीरियल नंबर 1 पे जो हमारा अनसीन पैसेज है 15 नंबर का, जिसमें से 3 अनसीन पैसेजेस दिए जाते हैं, वह सबसे आसान है। उसी तरह सीरियल नंबर 11 पे हमने डू एज डायरेक्टेड रखा है जो कि 5 अंकों का है और इसकी तैयारी में भी बहुत मेहनत लगती है और आपको ग्रामर की
पूरी थौरो तैयारी करनी पड़ती है। और यदि हम इसको मान लो हमारी तैयारी छूट गई है कुछ, तो हम इसको छोड़ भी देंगे तो हमारा ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो इस क्रम में यदि हम प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे तो निश्चय ही जो है हम इसको आसानी से ज्यादा ज्यादा मार्क्स स्कोर करते हुए, यानी पूरे पूरे मार्क्स स्कोर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि जो हमारे 1 से लेकर 11 तक क्रम में हमने टॉपिक्स को विभाजित किया था, तो 1 नंबर पे हमारा था अनसीन पैसेज। अब हम एक एक करके देखेंगे कि इन प्रश्नों को कैसे हल करना है और उसमें पूर्ण अंक कैसे प्राप्त करने हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 1 अनसीन पैसेज का है, सेक्शन ए में, जिसमें 15 नंबर निर्धारित हैं। अब जैसे कि कहा गया है, एक इंग्लिश में कहावत भी है कि वेल बिगन इज हाफ डन, यानी कि यदि हमने शुरुआत बहुत अच्छे से की तो आधा काम तो हमारा हो गया। तो इसको इसमें हमको पूरे नंबर लेके आने हैं, तो ये हम कैसे करेंगे? हाउ टू स्कोर मार्क्स इन अनसीन पैसेज, प्रश्न क्रमांक 1। सबसे पहले तो हमको पैसेज को 3 से 4 बार अच्छे से थॉरोली पढ़ना है। हो सकता है कि पहली बार पूरा पैसेज पढ़ने पे हमको कुछ समझ नहीं आए कि वो क्या है, दूसरी बार उसको पुनः पढ़ेंगे और थोड़ा अच्छे से समझ आने लगेगा, फिर तीसरी बार भी उसकी आप रीडिंग लगा सकते हैं ताकि उसका जो है मैसेज आपके माइंड में चला जाए और आप उसको उस प्रश्न को अच्छे से हल करें। अब जो है इनके प्रश्न जो है पैसेज के बाद क्वेश्चंस दिए रहते हैं, 5 मार्क्स का ईच पैसेज है, तो उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं दे स्टार्ट विद WH वर्ड्स। आप WH वर्ड्स आपको मालूम होने चाहिए कि WH वर्ड्स क्या होता है। हर प्रश्न जो है WH से शुरू है। WH यानी व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, व्हिच, हाउ। तो ये प्रश्न के आरंभ में ये शब्द पाए जाते हैं। इनका अर्थ आपको मालूम होना चाहिए कि यदि व्हाट पूछा गया है तो व्हाट का अर्थ है क्या, और व्हाई पूछा गया है तो वो जरूर कारण जानना चाह रहा है, तो आपको उत्तर में कारण लिखना होगा। इसी तरह हु यानी कौन, विच कौन सा। तो ये WH वर्ड्स की आपको थॉरो नॉलेज होनी चाहिए कि ये जो है वर्ड्स का मकसद या मतलब क्या है। इसके पश्चात आप जो है प्रश्नों में, प्रश्न को हल करने के लिए वर्ब्स पे जाइए कि आपको वर्ब्स को आइडेंटिफाई करना है कि प्रश्न में कौन सा वर्ब पूछा गया है, यानी कौन सी क्रिया का यूज किया गया है। तो एक मैं एक पैसेज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, छोटा सा, 3 सेंटेंसेस का। आपकी परीक्षा में 8 या 9 सेंटेंसेस का एक पैसेज आएगा, तो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आई एम शेयरिंग अ स्मॉल पैसेज विथ यू। हेलेन केलर लॉस्ट हर आई साइट एट द एज ऑफ 2। बच्चों यहां मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस। एक सेंटेंस क्या होता है? कैपिटल लेटर से आरंभ होकर फुल स्टॉप पर समाप्त होने वाला एक पूरा वाक्य होता है या सेंटेंस होता है। नॉर्मली कुछ बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि पूरी लाइन जो शुरू से लेकर आखिरी तक है वो एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। तो कैपिटल से फुल स्टॉप तक एक सेंटेंस, ये कंप्लीट हुआ। मिस सलीवन हेल्प हर टू एंड टॉट हर टू स्पीक, रीड एंड राइट। हेलेन वेंट टू अ यूनिवर्सिटी टू गेन अ डिग्री। इस छोटे से पैसेज में 3 सेंटेंसेस हैं। अब हम देखेंगे कि इस पे आधारित हमने 2 प्रश्न दिए हैं, उसके सपोर्ट में हम जो है देखेंगे कि आंसर कैसे लिखने हैं या कैसे हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन 1, व्हेन डिड हेलेन केलर लूज हर आई साइट। अब क्वेश्चन में वर्ब है लूज। अब हमको जो आंसर मिलेगा वो दूसरे वर्ब के दूसरे फॉर्म में हमको पैसेज में से ढूंढना है। तो लूज का फॉर्म वर्ब का पास्ट फॉर्म लॉस्ट है,
ये ढूंढिए कि किस सेंटेंस में लूज का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया गया है. तो हेलन केलर लॉस्ट हर आई साइट एट द एज ऑफ टू. और वेन पूछा गया है कि कब. एक तो डब्ल्यू एच जो है इसमें यूज किया हुआ डब्ल्यू एच वर्ड हमको हिंट कर रहा है कि हमको उत्तर में क्या लिखना है. वेन यानी कब डिड हेलन केलर लूज हर आई साइट. हेलन केलर की आई साइट यानी कि आंखों की दृष्टि आंखों की रोशनी किस उम्र में चली गई थी. तो आपसे पूछा गया है उम्र पूछी गई है. तो हेलन केलर लॉस्ट हर आई साइट एट द एज ऑफ टू. ये कंप्लीट सेंटेंस आपने उतार दिया तो ये आपका उत्तर बन गया. तो हमने इस कैसे उत्तर आइडेंटिफाई किया. एक तो डब्ल्यू एच वर्ड को समझकर एक वर्ब का फॉर्म उत्तर में ढूंढते हुए पैसेज में ढूंढते हुए हमने उत्तर लिखा. और ये कितना आसान है. सेकेंड क्वेश्चन वेयर डिड हेलन गो टू गेन अ डिग्री. अब देखिए इसमें जो वर्ब यूज किया गया है वो है गो. अब गो का पास्ट फॉर्म हम सब जानते हैं कि गो का पास्ट फॉर्म वेंट है. तो अब हम वेंट को जो है ढूंढेंगे किस सेंटेंस में मिला है. आप थर्ड सेंटेंस देखिए हेलन वेंट टू अ यूनिवर्सिटी टू गेन अ डिग्री. तो एक तो प्रश्न पूछा गया है वेयर. वेयर यानी कहाँ किस स्थान पे डिड हेलन गो टू गेन अ डिग्री. तो डब्ल्यू एच वर्ड को समझते हुए वेयर यानी कहाँ स्थान पूछा है और गो वर्ब जो दिया हुआ है उसको आइडेंटिफाई करते हुए उसका पास्ट फॉर्म देखते हुए हमने आंसर हल किया है. बच्चों एक और हिंट मैं बताना चाहूंगी. यदि आप डब्ल्यू एच वर्ड्स की सहायता से या फिर वर्ब की सहायता से क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं या आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो आप ये देखिए कि आपके क्वेश्चन में जो वर्ड्स हैं जो वर्ड्स यूज किए गए हैं ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स जो आंसर जो जिस सेंटेंस में पैसेज में होते हैं उनको आप उसी सेंटेंस को उतार लीजिए कैपिटल लेटर से लेके फुल स्टॉप. आंसर उसी के अंदर छिपा हुआ मिल जाएगा. इसके अलावा अनसीन पैसेजेस में एंटोनिम्स भी अक्सर पूछे जाते हैं. अब बच्चों ये वर्ड कुछ बच्चों के लिए तो बिल्कुल न्यू होगा. हालांकि एंटोनिम्स का अर्थ होता है ऑपोजिट्स. तो यदि एंटोनिम्स पूछे जाते हैं तो वर्ड का ऑपोजिट हमको लिखना है. तो एक लिस्ट आप बना लीजिए बहुत कॉमनली जो यूज ऑपोजिट्स होते हैं जो आप कक्षा 6 से पढ़ते चले आए हैं उनकी जो है एक चार्ट बनाकर अपने कमरे में टांग लीजिए. तो उनको जो है लर्न कर लीजिए तो वो यहाँ पर आपके आंसर को लिखने में बहुत सहायता करेंगे. इसी तरह एक क्वेश्चन सिनोनिम्स पे आता है. सिनोनिम्स यानी सिमिलर वर्ड्स. तो ऐसा भी आता है कि फाइंड द सिनोनिम ऑफ. सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड जिसका सेम मीनिंग होता है. तो यदि आपको सिनोनिम का वर्ड का मीनिंग पता होगा तो आप आसानी से इसका उत्तर लिख पाएंगे. अब इसके बाद जो आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन है जो बहुत ही आसान है करना वो है नोट मेकिंग का. नोट मेकिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय एक फ्रेश पेज लेंगे यानी कि नए पेज में इसकी शुरुआत करेंगे. प्रश्न क्रमांक लिखेंगे और जो है नोट मेकिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे. ये प्रश्न नोट मेकिंग एंड समरी का 7 मार्क्स का आता है जिसमें विभाजित टाइटल पे 1 अंक है निर्धारित और जो है नोट पे 3 मार्क्स अलॉटेड है और समरी मेकिंग के अगेन 3 मार्क्स हैं. तो इसको हम करते हैं अच्छे से तो यकीनन ही हमको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं. तो टाइटल कैसे खोजें. कि टाइटल ढूंढते समय हम किस महत्वपूर्ण टॉपिक पे पूरा पैसेज है वो वाला वर्ड जो है फ्रीक्वेंटली आपके पैसेज में यूज हुआ होगा तो वो हमारा हम उसको टॉपिक के रूप में आसानी से ले सकते हैं. तो ये
हमको एक नंबर दिलाएगा यदि हमने टॉपिक सही ढूंढा है तो। और ये हम आपके साथ आपको एक प्रारूप भी दिखाएंगे इसके बाद कि किसी बच्चे ने जो है किसी बच्चे की कॉपी का है कि उसने जो है इस फॉर्मेट को फॉलो किया है तो उसको पूरे मार्क्स मिले हैं या अकॉर्डिंगली जैसे उसने अटेम्प्ट किया है या कुछ छोड़ा भी है तो किस प्रकार जो है मार्क्स एग्जामिनेशन में स्कोर किए जाते हैं ये हम देखेंगे। अब हम जाएंगे फॉर्मेट ऑफ नोट मेकिंग। अभी पहला तो हुआ हमने टाइटल लिखा, टाइटल वो लिखा और टाइटल लिखने के बाद हमने इन्वर्टेड कॉमा में उस टाइटल को लिख लिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया और उसके नीचे आपने लाइन खींच दी। तो ये प्रोमिनेंटली बिल्कुल अलग से दिख रहा है पेज में कि ये जो है आपने प्रश्न अच्छे से हल किया है। उसी तरह सेकेंड हेडिंग ली आपने, यदि आपका थोड़ा सा चेंज हुआ है टॉपिक तो उसकी हेडिंग ली, फिर उस पे जिस पे बात हो रही है आपने उसको हेडिंग देते हुए सब हेडिंग देते हुए 2.1, 2.2, 2.3 इस तरह जो है एक फॉर्मेट बनाया। और फिर इसी तरह अगर बहुत बड़ा जो है पैराग्राफ है तो थर्ड पॉइंट देते हुए थर्ड पॉइंट की हेडिंग देंगे और सब हेडिंग्स 3.1, 3.2, 3.3 देंगे। नोट्स लिखने से पहले आप उसका एक फॉर्मेट बना लीजिए, उसके बाद नोट मेकिंग का के सेंटेंसेस आगे लिखेंगे यूजिंग द एब्रिवेशंस। एब्रिवेशंस को यूज करते हुए आप जो है उसमें सब पॉइंट्स में अपने आंसर डालेंगे। इसके पश्चात आई बात समरी राइटिंग की। अब जो आपने सब पॉइंट्स में जो सेंटेंसेस लिखे हैं इन्हीं को इलैबोरेट करते हुए आप अपनी समरी लिखेंगे। यानी कि ये बच्चों ये ध्यान रखें कि समरी में मार्क्स स्कोर करना बहुत 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 आसान है क्योंकि समरी इज 1/3 ऑफ द पैसेज। जो भी पैसेज आपको परीक्षा में दिया हुआ है उसकी लेंथ 1/3 होनी चाहिए। यानी कि महत्वपूर्ण जितने वाक्य हैं जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं आपने उनको छांटा और कंप्लीट सेंटेंस के रूप में एक फॉर्मेटेड रूप में पैराग्राफ फॉर्म में उसको लिख लिया तो ये एक आपकी अच्छी सी प्यारी सी समरी बन गई जो आपको निश्चित ही 3 अंक दिलाएगी। यानी कि आपके नोट मेकिंग पे जो है 7 नंबर आप आसानी से पा सकते हैं। तो बच्चों आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि नहीं? पहले हुए अनसीन पैसेज, आपने 3 अनसीन पैसेज के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। अब नोट मेकिंग एंड समरी अगेन इज फॉर 7 मार्क्स और आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और निश्चित ही 7 अंक प्राप्त किए। मान लीजिए हम ना आपके साथ एक फॉर्मेट शेयर कर रहे हैं, एक कॉपी शेयर कर रहे हैं जिसमें एक बच्चे ने बिल्कुल सही सही टाइटल लिखा है और नोट मेकिंग प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा है और उसके पश्चात समरी भी जो है प्रॉपरली लिखी है। तो देखिए बच्चों इसने 1 मार्क्स फॉर द टाइटल स्कोर किया है, 3 मार्क्स प्रॉपर फॉर्मेटेड नोट मेकिंग में उसने फॉर्मेट बनाते हुए अच्छे से सुंदर तरीके से साफ सुथरा नोट बनाए हैं तो नोट्स बनाए हैं तो उसको 3 मार्क्स मिले हैं। और समरी के अगेन जो है उसने बहुत अच्छे से उसको 1/3 करके उस पैसेज को लिखा है तो उसको 3 नंबर मिल गए हैं। अब बच्चों आएंगे हम ऐसे राइटिंग पे कि ऐसे राइटिंग हमको कैसे क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करना है और कैसे इसका आंसर लिखना है। अब कई बार तो हम जो शब्द सीमा दी रहती है 250 से 300 शब्द की उसको देख के घबरा जाते हैं कि हम निबंध कैसे लिख पाएंगे। तो बच्चों हम थोड़े से टिप्स आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं कि हम आसानी से जो है वो लिखते हुए पॉइंट्स को लिखते हुए मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमने वंडर्स ऑफ साइंस लिया है कि आपकी परीक्षा में वंडर्स ऑफ साइंस पूछा है। अब ये बहुत लंबा ऐसे हो सकता है समय के अभाव के कारण आप उसको पूरा तैयार ना कर पाए हो, कोई बात नहीं। तो उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यदि आपने शुरू में लिख दिए
यानी कि एवरी एसे हैज एन इंट्रोडक्शन एंड अ कंक्लूजन। ये ध्यान रखिए, कोई भी निबंध होगा उसका पहला पॉइंट एक इंट्रोडक्शन होगा टॉपिक का, और उसका एक अंतिम पॉइंट कंक्लूजन अवश्य होगा। तो अगर आपने वंडर्स ऑफ साइंस लिया है, तो यदि आप उसके महत्वपूर्ण बिंदु को क्रमबद्ध तरीके से निबंध लिखने से पूर्व साइड में एक के नीचे एक लिख देते हैं, तो भी 7 में से 3 अंक आप प्राप्त आसानी से कर सकते हैं। फिर आप इन पॉइंट्स को एक एक करके साफ सुथरा अंडरलाइन करते हुए हाईलाइट करके इलैबोरेट करेंगे, दैट कैन फेच यू 7 मार्क्स। यदि आपका निबंध बहुत अच्छा है तो आपको 7 में से 7 मिलेंगे, आपकी जो ओरिजिनल आइडियाज हैं तो निश्चित ही 7 में से 7 मिलेंगे, अन्यथा यदि आपने फॉर्मेट भी लिखा है तो भी उसके भी मार्क्स होंगे। तो ये प्रश्न छोड़ने से बेहतर है कि आप उसको अटेम्प्ट अवश्य करें, और उसके अंदर आप जो है पॉइंट वाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देते हुए जो है उसको सम अप करें। छोड़े ना कुछ जो है अवश्य उसके अंदर पॉइंट्स लिखते हुए लिखें, प्रश्न क्रमांक सही डालते हुए, तो आपको उस पे भी मार्क्स मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में आता ही है, वो है लेटर राइटिंग का। आपके जो है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंगली आपका जो है ये प्रश्न जो है 6 अंकों का आता है, जिसमें जो है आपको एक चॉइस दी जाती है इंटरनल, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के बीच में। यानी कि आप एक प्रारूप अच्छे से जो है अपने माइंड मैप में बना लीजिए कि हमको इस प्रारूप को देखते हुए लेटर राइटिंग करनी है, चाहे वो फॉर्मल का हो या इनफॉर्मल का, तो आप आसानी से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। यानी कि फॉर्मेटिंग पे भी मार्क्स हैं, तो उसका फॉर्मेट हम शेयर कर रहे हैं, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, जिसमें जो है आपको एड्रेस लिखना है, डेट है, डेट किस फॉर्म में लिखनी है, देन आपका जो है सब्जेक्ट है सैल्यूटेशन, देन कम्स द बॉडी एंड देन द कंक्लूजन पार्ट। तो बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि बॉडी ऑफ अ लेटर और एन एप्लीकेशन इज डिफरेंट, यानी कि प्रश्न के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी जो है डिफरेंट होती है, यानी लेटर की या एप्लीकेशन की, तो वो चेंज होती है, लेकिन जो हमारा प्रारूप है, जो फॉर्मेट है, उसको यदि हमने अच्छे से याद कर लिया तो हम निश्चित ही जो है कुछ अंक तो स्कोर कर पाएंगे। यानी कि 2 मार्क्स आर फॉर द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द लेटर, बॉडी के लिए आपके 3 मार्क्स हैं और कंक्लूजन के लिए 1 मार्क है। तो इस तरह आपकी लेटर जो है टोटल 6 मार्क्स की है। यदि आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट सही लिखा है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। इसकी प्रैक्टिस आप बार बार करेंगे तो यहाँ आपकी गलती होने की संभावना बिल्कुल शून्य है, यानी कि ये 2 मार्क्स आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। नाउ कम्स द बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में भी यदि एप्लीकेशन है तो आप जो है अपनी फर्स्ट लाइन, आपको मालूम ही है हर एप्लीकेशन में कॉमन रहती है कि मोस्ट हम्बली आई विश टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास दिस एंड दिस, या दूसरे फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं उसको अपना बताते हुए कि आप कौन सी कक्षा के छात्र हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा क्वेश्चन की सहायता से यदि टीसी की है तो वो लेते हुए उसको इलैबोरेट करेंगे, तो कुछ ना कुछ मार्क्स आप जरूर यहाँ पर स्कोर करेंगे। देन कम्स द कंक्लूजन पार्ट, जिसमें आपको थैंकिंग यू और योर सिंसियरली ओबीडियंटली फेथफुली ये लिखना है। इनके स्पेलिंग्स निश्चय बहुत अच्छे से बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, और क्वेश्चन में जो अगर नाम दिया हुआ है तो अपना जो है कंक्लूजन उससे करिए, तो आप जो है निश्चित ही यहाँ पर भी कंक्लूडरी पार्ट में जो है 2 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसी तरह
जो है आप फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों का फॉर्मेट जो है अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करके लिखेंगे। अब बच्चों, एक बच्चे ने एग्जाम में उसको जो प्रश्न पूछा गया था टीसी के एप्लीकेशन का, तो उससे जो है समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या लिखे उसमें। वो लेटर जब उसने एप्लीकेशन का क्वेश्चन पढ़ा तो वो थोड़ा सा नर्वस हो गया और थोड़ा सा घबरा गया। तो आप घबराहट के मारे, हो सकता है कि वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करता, परंतु उसने सोचा कि मुझे जितना आता है, उसने दिमाग में फॉर्मेट को रिकॉल किया कि टीचर ने क्लास में ये फॉर्मेट बताया था, उस फॉर्मेट की सहायता से उसने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू किया। यानी लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे उसने पेपर के अपना एड्रेस लिखा, ठीक है। एड्रेस के बाद उसने डेट लिखी, उसके बाद उसने सोचा कि सब्जेक्ट जो कि आसानी से हमको क्वेश्चन में मिल सकता है वो हम हेडिंग डालें, तो सब्जेक्ट लिखा गया। और उसके बाद जो है उसने सर लिखा, सर लिखने के बाद उसने कॉमा लिखा, और उसके बाद उसने उसको जो पहली लाइन अच्छे से याद थी, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। अब उसके बाद उसको कंफ्यूजन हो गया कि मैं क्या लिखूं, उसको याद नहीं आ रहा था, वो याद करके गया था एप्लीकेशन परंतु वो उसको रिकॉल नहीं कर पाया, तो वो इतना ही लिख पाया। उसके बाद उसने जगह छोड़ दी और उसने इस जो एप्लीकेशन को एंड अप किया थैंकिंग यू योर सिंसियरली, और प्रश्न में जो नाम दिया था यू आर सोनल, तो उसने अंत में सोनल लिखा। अब देखते हैं जब इसकी कॉपी चेक हुई तो मार्किंग्स जो थी वो एग्जामिनर ने इसको कैसे इवैल्यूएट किया। इसने क्योंकि ऊपर का एड्रेस और डेट सही लिखी थी तो उसको 2 नंबर मिले, यहाँ आप कॉपी में देख सकते हैं। उसने सब्जेक्ट सर और फर्स्ट लाइन लिखी थी, यानी कि जो बॉडी थी वो कंप्लीट नहीं लिखी थी, तो बॉडी के 3 मार्क्स की बजाय उसको यहाँ 1 मार्क दिया क्योंकि उसने उसको कंप्लीट नहीं किया था। बट एटलीस्ट ही मैनेज्ड टू स्कोर 1 मार्क आउट ऑफ दोस 3, और ऊपर के पार्ट में उसने पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर लिए। और अब पहुंचे जो नीचे का जो कंक्लूडरी पार्ट था, उसमें अगेन उसने सही लिखा था इसलिए उसको 1 मार्क मिले। तो यदि वो बॉडी ऑफ द लेटर नहीं उसको याद था और उसकी वजह से यदि वो पूरा प्रश्न छोड़ देता तो उसको 0 मार्क्स मिलते, लेकिन ही स्कोर्ड 4 आउट ऑफ 6 मार्क्स। तो ये आपके लिए भी एक टिप है कि यदि आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं तो भी उस क्वेश्चन को पूरा ना छोड़े, जितना आपको आता है उतना कॉन्फिडेंस के साथ उसको अटेम्प्ट करें। साफ सुथरे एक अलग से पेज में इस क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो निश्चित ही कुछ मार्क्स जो है आप जरूर स्कोर कर पाएंगे फॉर्मेट के बेसिस पे। तो हमने ये देखा कि ऐसे में लेटर में जिसमें हम डरते भी हैं बहुत, मार्क्स स्कोर करना कितना आसान है। अब एक क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में जो पूछा जाता है वो है ड्रामा पे से, और हमारे सिलेबस में एक ही ड्रामा है, एक ही लेसन है महाराणा प्रताप का, और उस पे से पूछा गया प्रश्न अनिवार्यता 4 नंबर का आता है, तो वो भी हमारे लिए करना बहुत आसान है, उसको भी अटेम्प्ट करिए। क्योंकि हमारे सिलेबस में 2 या 3 ड्रामा नहीं है तो हमें मालूम है कि महाराणा प्रताप में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो बहुत फ्रीक्वेंटली या बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन क्वालिटीज ऑफ महाराणा प्रताप, क्वालिटीज ऑफ भामाशाह, या व्हाई वाज भामाशाह नोन एज द सेवियर ऑफ मेवाड़। तो ये इन प्रश्न में से यदि आपने ये 3 या 4 प्रश्न अच्छे से तैयार कर लिए और पॉइंट वाइज उनको लिख दिया, कई बार डिफ्रेंशिएट भी करना आता है कि कंपेयर द क्वालिटीज ऑफ महाराणा प्रताप विद भामाशाह, तो आप आसानी से 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इसको भी अपने पॉइंट
दिमाग में रखिए कि 4 नंबर का महाराणा प्रताप में से ड्रामा में से क्वेश्चन अनिवार्यता आना है, जिसको आपको छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि बहुत ही आसान है कि महाराणा प्रताप वॉज द किंग ऑफ मेवाड़ और उसकी क्वालिटीज, ही वॉज अ ग्रेट पेट्रियट, ही लव्ड हिज मदरलैंड वेरी मच। तो ये सारे जो है, जो अपने पॉइंट्स हैं, ये याद करना भी बहुत आसान है। इसी तरह हम इनको भामाशाह की क्वालिटीज के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा और 4 नंबर आसानी से आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। अब हमारी आई बारी ग्रामर की। ग्रामर के क्वेश्चंस जो हैं वो 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसमें भी इंटरनल चॉइस होती है कि 12 सेंटेंसेस दिए जाते हैं, जिसमें कि आपको 10 अटेम्प्ट करने होते हैं और ये 10 मार्क का होता है, यानी 1 ईच। तो जो ये हमारे सेंटेंसेस होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, इनमें नीचे 2 या 3 विकल्प दिए रहते हैं, तो जो विकल्प होते हैं सही विकल्प हमको चुनकर लिखना है। तो ये इसमें से ऑफन आस्क्ड क्वेश्चंस है, ये आर्टिकल्स पे पूछे जाते हैं, प्रेपोजिशंस पे, मॉडल्स पे और डिटर्मिनर्स पे, वर्ब फॉर्म्स पे। तो ये हमारे लिए अटेम्प्ट करना बहुत बहुत आसान होता है। तो हमने एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर किया है कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो जैसे राम इज सिटिंग डैश राधा एंड सपना, राम राधा और सपना के बीच में बैठा है। तो 2 ऑप्शन दिए हैं, अमंग और बिटवीन। तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि जब ऑप्शंस दिए रहते हैं तो उसमें से आपको एक चूज करके सही आंसर यहाँ विकल्प में लिखना पड़ता है। तो क्योंकि राम 2 बच्चों के बीच में बैठा है, इट इज वेरी क्लियर दैट राम इज सिटिंग बिटवीन राधा एंड सपना, 2 के बीच में बैठा है, तो हम बिटवीन इसमें आएगा। तो ये ऑफन आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, इनको हमको छोड़ना नहीं है। दे आर वेरी वेरी इजी टू अटेम्प्ट और इसमें मार्क्स स्कोर करना हमारे लिए बहुत बहुत आसान होता है। इन प्रश्नों को भी अनिवार्य प्रैक्टिस करते हुए हल करेंगे। हमारे जो 10th क्लास का जो मॉड्यूल बना है उसमें से ढेर सारी एक्सरसाइजेज इसमें दी हुई हैं, ग्रामर बेस्ड, और उनको बार बार आप प्रैक्टिस करें तो इसमें आप जो है निश्चित रूप से 10 में से 10 अंक हासिल कर सकते हैं। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ग्रामर तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ अच्छे से करनी पड़ेगी मार्क्स स्कोर करने के लिए। ग्रामर बेस्ड अनदर क्वेश्चन आता है डू एज डायरेक्टेड, जिसमें कि निर्देशानुसार जो निर्देश दिए रहते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस करना पड़ता है। ये 5 नंबर का आता है। ये यदि आपने छोड़ भी दिया, क्योंकि इसको करने के लिए जो है साल भर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चाहे आपको उसको सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना हो या स्पीच चेंज करनी हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना हो या नेगेटिव चेंज करना हो, तो इसमें थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो वो क्वेश्चन आप लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हैं और जो है उसको हल कर सकते हैं। तो ये ग्रामर के क्वेश्चन, अगेन दे आर गोइंग टू हेल्प यू टू फेच फुल मार्क्स। तो इनको अनिवार्यता अटेम्प्ट करिए। आर्टिकल्स ज्यादा नहीं, ए एन और दी का प्रयोग की आप मास्टरी कर सकते हैं। प्रेपोजिशंस ये सब जो है आप अभ्यास करते हुए इन सेंटेंसेस को कर सकते हैं। अब ट्रांसलेशन पे आए। ट्रांसलेशन आपका 5 नंबर का प्रश्न होता है। ट्रांसलेशन में आप जो है सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए कि एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। वर्ब की नॉलेज आपको काफी है कि अगर पढ़ रहा है तो उसकी जो है वर्ब इंग्लिश में उसको रीड बोलते हैं, अगर दौड़ रहा है तो रन बोलते हैं। उसके वर्ब की फॉर्म चेंज करते हुए आप ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हैं। आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो है इसका पैटर्न फॉलो करते हुए एफर्मेटिव सेंटेंसेस को आसानी से बना सकते हैं। फिर आप नेगेटिव जब सेंटेंस बनाना हो तो हमें नॉट का प्रयोग करना है, नॉट के साथ हमें डू डज डिड का प्रयोग करना है। इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको क्वेश्चन जो है फॉर्म में सेंटेंस को फ्रेम करना है। डू नॉट फॉरगेट टू यूज अ क्वेश्चन मार्क इफ यू आर मेकिंग द इंटरोगेटिव सेंटेंस। बच्चों हमारे पोएट्री सेक्शन में से एक्सट्रैक्ट्स पे 3 मार्क्स, यानी कि जो स्टैंजर्स हैं उन पे
क्वेश्चंस जो आते हैं वो 3 मार्क्स के होते हैं। इन क्वेश्चंस को समझने के लिए अगेन हम जो है WH वर्ड्स जो है उसकी मास्टरी हमारी काम आएगी कि क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। फिर इसमें से भी हमारी नेम ऑफ द पोएम और नेम ऑफ द पोएट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थॉरली याद करिए, घर पे एक चार्ट टांग लीजिए। आपके कोर्स में जो है 5 पोएम्स हैं तो आप उनके नेम ऑफ द पोएम और नेम ऑफ द पोएट अच्छे से याद करेंगे तो ये आप इसमें आसानी से जो है पूरे के पूरे मार्क्स एक्सट्रैक्ट्स में स्कोर कर सकते हैं। शॉर्ट आंसर्स 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं और क्वेश्चन आंसर्स 4 मार्क्स के सारी टोटल पोएम्स में से पूछे जाते हैं, जो कि वेरी शॉर्ट जो है आंसर्स हैं, एक एक लाइन के। यदि हमने उनको अच्छे से किया तो जो है हम आसानी से जो है मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि दे आर वेरी वेरी इजी टू रिमेम्बर। तो अब हमारा जो है एक हमने एग्जांपल आपके साथ शेयर किया है कि किस तरह के जो है पोएट्री सेक्शन में से जो है 4 या 6 नंबर की लाइंस आती हैं और यू हैव टू फाइंड आउट कि ये कौन से पोएम से ली गई थी। फिर उसी पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम उसी लाइंस में से ढूंढते हुए उनका आंसर लिखते हैं। अब आया वर्कबुक। हमारी जो है टेक्स्ट बुक के साथ एक वर्कबुक प्रेस्क्राइब्ड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से 15 नंबर के क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं और जो है उनको तैयार करना बहुत आसान होता है। तो यदि हमने ये भी बहुत शॉर्ट टाइप के आंसर्स हैं, यदि इनको हमने थॉरली याद कर लिया तो मेरे ख्याल से वर्कबुक में भी जो है हम आसानी से जो है स्कोर कर सकते हैं। पैसेजेस पे बेस जो है हमारे क्वेश्चंस होते हैं। और इसके बाद हमारा लास्ट है, जैसे मैंने आपको ग्रामर सेक्शन में पढ़ते हुए बताया था कि ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आता है और ये 5 मार्क्स का आता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो यदि आप इस प्रश्न को छोड़ भी देते हैं तो आप जो है बहुत ज्यादा लूजर नहीं होंगे। तो आप ये आपने ये देखा कि किस क्रम में हमने जो है किस जो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया और ज्यादा वेटेज मार्क्स का जिन क्वेश्चंस पे है उनको अच्छे से हमने जब हल किया तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला गया और हमने जो है उसमें पूरे पूरे मार्क्स स्कोर किए। सो हाउ इजी इट इज टू स्कोर मार्क्स इन इंग्लिश, देयर इज नो नीड टू फियर अबाउट इट। डरने की आवश्यकता नहीं है, आप भी जो है आसानी से जंग जीत सकते हैं और बहुत बहुत अच्छे नंबर लेकर अंग्रेजी में पास हो सकते हैं।